نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين جارب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت القدير الحكيم आज हम इंशाल्लाह 28 क्लास स्टार्ट करेंगे और इसमें हम गज़वाय बदर और गज़वाय अहद के दरमियान में होने वाले जो मताफ़रिक छोटे-छोटे वाक्यात थे उनको स्टडी करेंगे इसमें से एक जो बहुत बड़ा वाक्या था वो होगा बेसिकली बनो कायनो का आ, का अंजाम ठीक है यहूदियों के जो कबीले थे उनको हमने साथ साथ भूलना नहीं है यहूदियों के बेसिकली तीन मेन कबीले थे जो कि मदीना में बस बसे हुए थे उनमें से जो सबसे पहला था बनो कइनों का और वो सबसे बड़ा भी था और सबसे ज्यादा अमीर भी था और वो लोग तिजारत का काम करते थे और सोने की लेन देन बेसिकली करते थे तो सोनार तो अभी भी इतने अमीर होते तो उस जमाने में भी डेफिनेटली अमीर ही, ही होंगे तो उनके जेवरात बनाते थे और पैसा वगैरह तो इस तरह उनका अंजाम क्या हुआ ये हम इंशाल्लाह देखेंगे तीन कबीले हैं यहूदियों के बनो कइनों का बनो नजीर और बनो कुरैजा ठीक है इन तीनों का एक एक करके मदीना में अंजाम होगा मुसलमानों के हाथों साथ साथ मुशरक के साथ जंगे लड़ रही है जिसमें मेन कुरैश है उनके साथ मेजर बैटल्स होंगी फिर यहूदियों के साथ जो माइनर बैटल्स या जो भी उनका तरीका कार होगा वो हम देखेंगे उसके अलावा इर्द गिर्द के जो मशरकिन कबीले थे ना वो भी कोई ना कोई पंगा कर लेते थे तो उनके साथ भी जो जो इंसिडेंट्स वगैरह होंगे वो भी हम इन बीच में ही देखते जाएंगे तो ये बनो बनो का वाक्य आज हम पढ़ेंगे और इसके अलावा जो बनो नज़ीर का एक खास यहूदी सरदार था काब बिन अशरफ ठीक है उसका उसको कत्ल कर दिया गया उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल का हुक्म दिया उसको कत्ल कर दिया गया उसका जो वाक्य है वो हम तफसील में आज पढ़ेंगे क्योंकि इसके वाक्य को लेके जितनी भी एंटी इस्लामिक वेबसाइट्स है ना या वो लोग जो बेसिकली इस्लाम के खिलाफ हैं उन्होंने जब बोलना होता है ना इस्लाम के खिलाफ जो दो चार बातें उन्हें पता है कि हजरत आयशा की शादी को उन्होंने उछाला या अच्छा ज्यादा शादियों को आ, या फिर और ये यहूदियों के कबीलों के खिलाफ जो डिसीजन लिए उनको उछालते हैं या फिर ये काबिन अशरफ का जो वाक्य हुआ था ना बेसिकली इसको बहुत ज्यादा उछाला जाता है तो इस नजरिए से फिर और इसको समझने की नीयत से फिर आज इनशा हम पढ़ेंगे तो तकरीबन छः वाकयात होंगे इनशाला जो कि हम पढ़ेंगे और उनसे हासिल होने वाले इसबाक हम देखेंगे अच्छा अगली क्लास में फिर हम गजा ओहद स्टार्ट कर देंगे लेकिन हो सकता है एक आधा वाक्य जो रह गया हो वो भी मैं उसमें कवर करूंगी और फिर गजबाए ओहद पे हम डायरेक्टली चले जाएंगे जो पहला जो वाक्य हुआ इसमें मक्का की पहले हम बात करेंगे उसके बाद हम मदीना पे फिर आ जाएंगे गजब बदर के फौरन बाद जब जीत की खबर पहुंच चुकी थी तो मक्का में उमैर बिन बाहब जो है बेसिकली ये भी दुश्मन आने इस्लाम में से था और बहुत बड़ा दुश्मन था मुसलमानों का लेकिन सरदारों की लेवल पर नहीं आता था ना सरदारों के नीचे आता था और सुफवान बिन उमैया जो है सुफान बिन अमैया कौन है उमैया बिन खलफ जो था बेसिकली हजब बिलाल का जो मालिक था बाद में तो हजब बिलाल हो गए तो उमैया बिन खलफ जो है उसका ये बेटा है ठीक है अभी ये है कि सारे मेन सरदार तो मर गए अब उनके बच्चे आएंगे सामने तो उनके बच्चों के नाम ले लेकर मैं दोबारा थोड़ा उनके रिश्ते रिपीट करूंगी ताकि अब आप लोगों को ना ये नाम पक्के हो जाए ये नाम भी अब सारे पक्के हो जाने चाहिए और ये सुफान बिन उमैया वो है जो बेसिकली अब तजारती काफिला जो अब मक्का का जाया करेगा ना शाम की तरफ वो ये लेकर जाएगा आप और मक्का जो अबू सुफियान पहले लेकर जाया करता था और मक्का का जो पीछे सरदार होगा वो पहले अबू जहल था ना वो तो मर गया अब वो अबु होगा, ठीक है तो इतनी इतनी जो डिटेल्स है मेजर वो आपने याद रखनी है तो ये सुफियान सुफान बिन उमैया और ये उमैर इबन वाहब जो है ये दोनों आपस में फर्स्ट कजन थे ठीक है रिश्तेदारी थी इनके आपस में तो ये दोनों बैठे हुए बातचीत कर रहे थे और सफान ने इस्लाम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि जी तो इस्लाम आया तो ये हुआ वो हुआ हमारे बड़े मारे गए मेरे अब्बा मारे गए वगैरह वगैरह तो मैंने कहा कि मैं उमैर जो था इसका भाई और इसका बेटा दोनों कैदी बने हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बदर के बाद ठीक है तो ये भी सख्त गुस्से में था तो इसने कहा कि मैं अभी मदीने जाकर ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर देता नाउजबिल्ला लेकिन मुझ पे जिम्मेदारियां बड़ी हैं मेरा खानदान बहुत बड़ा है और मुझ पर कर्जा भी बड़ा है तो मैं जा नहीं सकता तो सफवान ने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूंगा और मैं तुम्हारा कर्जा भी अदा कर दूंगा और अगर तुम बचकर ना आ सके ना तो जो मैं अपने खानदान को खिलाता हूँ ना ख्याल रखता हूँ उसी तरह मैं तुम्हारे खानदान का ख्याल रखूंगा तो तुम बेफिक्र होकर जाओ और तुम अपना काम करो तो इन दोनों ने डिसाइड किया फैसला किया कि हम इसको टॉप सीक्रेट रखेंगे अपने घर वालों में से किसी को भी नहीं बताएंगे अपनी बीवियों तक को इन्होंने नहीं बताया और उसी वक्त निकला है अपनी तलवार को तेज किया उसको जहर आलूद किया जहर लगाकर उसके ऊपर और किसी को भी नहीं बताया और फौरन अपने घोड़े पर निकल गया दो हफ्ते का सफर होता था मदीने का दो हफ्ते में वो मदीना पहुंचा मदीना पहुंच कर जैसे डेजर्ट से सेहरा से जब लोग जाते हैं तो उनका चेहरा कवर्ड होता है बेसिकली कपड़े से वगैरह मुंह पर ना पड़े और वो इसलिए भी कि अब उसको कोई पहचान नहीं सकता था वहां पे कि अचानक ये कौन आया फिर भी जब वो अंदर गया है मदीना में दाखिल हो गया और मस्जिद की जानब जाने, जाने लगा तो हजरत उमर इब्रता रजी अल्लाह तु ने उसे देख लिया और आंखों से ही उसे पहचान लिया क्योंकि था रैशी और ये सारे इकट्ठे तो रहते थे एक जमाने में तो हजरत उमर ने उसे पहचान लिया और हजरत उम्र ने कहा हाजल कल हाँ दुश्मन है ये यकीनन किसी बुरी नीयत से आया और फौरन हज़रत उमर पहले गए मस्जिद में खबरदार कर दिया तो आप ने कि इसको मेरे सामने लेकर आओ तो हजरत उमर रजिया ने अपनी तलवार ली और फौरन उसके पास गए और उसको बोला कि तुम्हें उसका बेटा भी कैदी था और उसका भाई भी कैदी था एकदम से तो वो हमला नहीं कर सकता था हमला करने के लिए पूरी प्लानिंग चाहिए तो खैर वो के सामने हाजिर हुआ तो ने पहले ही सहाबा से कह दिया था कि इस सिंह नजर रखना क्योंकि इसके पास तलवार भी है और इनके कैदी भी हमारे पास है और अभी अभी बदर का वाक हुआ है तो यकीन कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है ठीक है तो हजरत उम्र रज के पास भी तलवार थी तो खैर ये जब आया है तो इसने आके कहा अन सबाह जिसका मतलब ये होता है कि आपको गुड मॉर्निंग जैसे हम कहते हैं ना कि सुबह बखैर हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इससे बेहतर तखैया हमें दिया है जो कि बेसिकली जन्नत वालों का सलाम है और वो है अस्सलाम वालेकुम यानी उस मौके पे भी आप ने उसको थोड़ी सी दावत दी तो उसने आगे से अकड़ के कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता भाई मैं नहीं जानता मेरे लिए यही ठीक है तो आप सलासलम ने पूछा कि क्यों आए हो तो उसने बोला कि अपने बेटे को लेने के लिए आया हूँ और उसके बदले में जो फिदिया था वो देने के लिए आया हूँ तो मेरे बेटे को आज़ाद कर दे तो आपसे सबने पूछे तो फिर तुम तलवार क्यों लेकर आयो अगर तुम बेटे को लेने आए थे तो तलवार तो तुम्हें तो झुक के आना चाहिए ना तलवार क्यों लेकर फिर तो आयोजनों ने कहा कि अच्छा ये तलवार तो इन तलवारों ने बदर में कौन सा ऐसा कमाल कर दिया था जो अब ये तलवारें हमारी कोई मदद कर देंगी तो आपसे सब ने बोला कि नहीं सच बताओ तो उसने फिर वही जवाब दिया तो आपसे सर ने बताया कि नहीं तुम और सफान अकेले फला जगह पर बैठे हुए थे और तुम दोनों ने ये मंसूबा बनाया है और अल्लाह तुम्हारे मंसूबे के दरमियान आ गया और अल्लाह ने जब्राई साम के जरिए मुस्तक खबर पहुंचा दी तो उमैर जो था वो एकदम से हक्का बक्का रह गया <coughs> और यकीनन जो बात उसके और सरफान के दरमियान हुई थी अब जाहिर है उसको पता था कि ये बात कैसे पहुंच सकती है सलम के पास एक छोटा सा मुआजा था जो कि उसको उसी वक्त दिखाया गया अल्लाह ताला ने उसको दिखाया उसके ऊपर ज़ाहिर हो गया कि इस्लाम ही हकीकत है उसी वक्त वो मुसलमान हो गया और उसने कलमा पढ़ा कलमा शहादत पढ़ा ठीक है उसी वक्त मुसलमान हो गया तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि इसके कैदी को छोड़ दो और इसको इस्लाम सिखाओ और इसको कुरान मजीद कुछ कुरान मजीद हिप्स कराओ ठीक है और फिर उमैर जो है वो कुछ अरसा वहां पर रहकर इस्लाम सीखता रहा और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए गया और बोला कि जी मैं मक्का जाना चाहता हूँ ताकि मैं मक्का जाकर वहां वालों को इस्लाम का पैगाम पहुंचाऊ और उन्हें बताऊं कि जी ये सच्चा मज़हब है सच्चा दीन है इसकी तरफ आओ और सिंस उसके जिंदगी को कोई इतना खतरा भी नहीं था क्योंकि, क्योंकि कुरैश के आला मनसब और आला ये कबीले वगैरह से था बनू कबीले से तो इस वजह से सब ट्राइप जो होता है बेसिकली इस वजह से फिर आप अलैहि वसल्लम ने उसे इजाजत दे दी अब पीछे क्या हो रहा था पीछे सफवान जो था वो इंतजार में बैठा हुआ था और सफ्वान ने मक्का में ऑलरेडी मशहूर कर दिया था कि भाई तुम लोग इंतजार करो बड़ी अच्छी खबर मिलने वाली है बड़ी अच्छी खबर मिलने वाली है तो उमैर जब उसको खबर मिली रस्ते में ही खबर मिल गई उमैर के पहुंचने से पहले के जी उमैर ने तो इस्लाम कबूल कर लिया वहां पर तो बड़ा गुस्सा आया सफवान को और सफवान ने तय किया कि मैं आइंदा अपने इस कजन को इस भाई को कभी भी नहीं मिलूंगा खैर उमैर वापस आ गए और उन्होंने वापस आकर रजील तु वापस आकर दावत और तबलीग का काम शुरू किया और इसके बाद फतेह मक्का तक ये लोग आपस में आ, कोई इनकी सलाम बातचीत वगैरह कुछ भी नहीं फतेह मक्का के मौके पर सफवान जो था ये भाग गया तब तक ये इस्लाम नहीं कबूल करके आया था लेकिन बाद में इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया था तो सफवान बेसिकली हालांकि आप सल्लाम ने इसके कत्ल का हुक्म नहीं दिया था छह ऐसे लोग थे जिनका बेसिकली आप सल्लाम ने फतेह मक्का पे हुक्म दिया था कि ये छह लोग जहाँ मिले जिस हाल में मिले चाहे हरम में मिले इनको मार दिया जाए उनमें अलबत् सफवान था नहीं लेकिन फिर भी उसको डर था कि जी मुझे तो नहीं छोड़ेंगे तो ये अलबत्त भाग गया भाग के छुप गया तो उमैर ने इसको ढूंढना शुरू किया ये नहीं मिला फिर उमैर आप सल्ला के पास आए और आपसे वसलम से कहा कि यारसोल्ला मुझे वादा मुझे वादा दे दीजिए कि आप सफान को अमान देंगे तो फिर मैं उसको ढूंढ कर लेकर आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी को किसी को बात से मना नहीं किया करते थे हम ये सीरत में देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वादा दे दिया अमान का तो अम, उमेर फिर सुफान को ढूंढ कर लाए घर से वो अल्टीमेटली उसको मिल गया और उसको दोबारा समझाया इस्लाम की हकीकत के बारे में बताया और अल्टीमेटली फिर वो आप वसल्लम के सामने आया और उसने वहाँ पर फिर इस्लाम को कबूल कर लिया और बाद में फिर बहुत अच्छे मुसलमान बने तो ये इन दोनों की स्टोरी थी जो कि मैंने इनके इस्लाम की कबूलियत फ्रैंड तक आपको बता दिया तो इनके नाम इन शाद रखियेगा खूसान का क्योंकि सफ़ान का जिक्र आगे फिर बहुत ज्यादा आता है इसके बाद जब मेन वाक्य हुआ मैंने आपको पहले ही बताया कि दुश्मनान जहूद में से जो बनो किनका का कबीला था उसका सबसे पहले फैसला हो गया क्योंकि क्यों ये साजिशों में बड़े आगे थे बड़ा कबीला था अमीर कबीला था तो जो बड़े कबीले होते हैं या अमीर होते हैं या जिनको अपनी ताकत पे अपने जोम पर अपने उस पर रुतबे वगैरह पे जोम होता है बेसिकली तो वो लोग साजिशों में भी आगे आगे होते हैं उन्हें पता होता है कि भाई जी हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा तो इस चक्कर में ये लोग फिर साजिशों में आगे आगे थे बल्कि जब बदर की फतः की जब खबर मिली है तो बदर के बाद ये लोग इंतहाई दुखी हो गए क्यों क्योंकि दिल तो इनके मुशरकिन के साथ मिले हुए थे ना और इनकी तिजारत वगैरह जो थी वो उनके साथ हुआ करती थी तो एक मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बाजार में गए हुए थे और इनकी दुकानों वगैरह को देख रहे थे और इनको ये याद दिलाने के लिए गए थे कि तुम लोगों ने जो मुहिदा किया हुआ है माहिदा कब हुआ था मिसाके मदीना जब हुआ था जब आप हिजरत करके मदीना आए थे तो आपने यहूदियों के साथ जो मुहिदा किया था कि हम सब मिलकर मदीना को डिफेंड करेंगे और मिलकर रहेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे चाहे हमारा मज़हब एक दूसरे से फर्क फर्क है तो आपकी अब साजिशन शुरू हो चुकी थी और खबरें मिल रही थी तो आप सल्लाह गए वहां पर और इनको खबरदार किया कि भाई तुम लोग अपने दुरुस्त रवैये पे रहो दुरुस्त तरीके से रहो कि तुम्हारी अः जो माहिदा है उस पर तुम लोग कायम रहो तो एक सरदार वहां पर बैठा हुआ था उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पॉइंट माना कि जी अः तुम लोग ना फतेह के ऊपर इतने खुश ना हो ये तो मर्द ही नहीं थे जिनके साथ तुम लोगों ने लड़ाई लड़ी है अगर तुम लोग असली मर्दों के साथ लड़ते हैं ना तब तुम्हें पता चलता बेसिकली उसका अपनी तरफ इशारा था और ये बात कहना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत बड़ी बात थी लेकिन उसको शायद जो था कि जी हम इतना बड़ा कबीले हैं दो हजार तकरीबन इन लोगों की स्ट्रेंथ थी तकरीबन हजार उसमें से मर्द थे और हमारा जैसे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता इस तरीके से उसने बात की ना खैर ये बात आई गई होगी उसके बाद बेसिकली हुआ यह कि एक अंसार की अंसारी मुसलमान औरत थी वो बेसिकली इनके बाजार में गई क्योंकि सोना वगैरह इधर से ही मिलता था सोना खरीदने के लिए वो इनके बाजार में गई है तो यहूदियों ने उसके साथ शरारत करना शुरू कर दी और बेसिकली उसने जो जो भी ड्रेस उसने पहना हुआ था उन्होंने पीछे से उसके ड्रेस के ऊपर ना जैसे कोई कील वगैरह ठोक देते कोई भारी चीज रख दी कोई ईंट वगैरह रख दी जिससे क्या हुआ कि जब वो खड़ी हुई है जाने के लिए तो कपड़े एकदम से उसके खिंचे हैं सारे कपड़े हट गए उसके ऊपर से तो सारे यहूदी जो ये मजाक कर रहे थे उन सब ने हंसना शुरू कर दिया और वो इसलिए मजाक कर रहे थे कि जी ये मुसलमानों की औरत है तो वो बेचारी चीखने चिल्लाने लगी तो एक मुसलमान अंसारी भी वहां से गुजर रहा था तो उसने देखा तो वो उसके पास तलवार भी थी वो वहां पर आया गुस्से में और उसने जिस शख्स ने ये काम किया था ना उस शख्स की गर्दन उड़ा दी तो जब यहूदियों ने देखा कि मुसलमान ने ये काम किया तो वो सारे यहूदी उस मुसलमान के पास जमा हो गए और उस मुसलमान की भी गर्दन उड़ा गई उनको शहीद कर दिया गया तो ये खबर जैसे ही तक पहुंची है सल्लम ने फरमाया कि बस माहिदा खत्म हो गया हमारा माहिदा खत्म हो गया और इसका जिक्र सूरतफाल की आयत नंबर 58 में हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा था

और अगर तुम्हें किसी कौम की खयानत का डर हो तो बराबरी की हालत में उनका अहदनामा तोड़ दें अल्लाह ताला खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता तो बेसिकली ये जो आयत आयतुलफाल की लास्ट टाइम भी मैंने बताया था अभी दोबारा कि इस वाक्य से बेसिकली परटेन करती है रिलेट करती है इसके बाद <coughs> ने उन्हें पैगाम पहुँचा दिया और यहूदी जो थे अब इनके बड़े बड़े किले हुआ करते थे ठीक है मुसलमान जो थे वो तो आम घरों में रहते थे छोटे-छोटे ये मड वगैरह के घर बनाए हुए थे एक एक फ्लोर जूझली होता था वन स्टोरी हाउसेस होते थे लेकिन किसी किसी का दो स्टोरी भी था जैसे हजरत का था तो इनके अलबत्त बड़े बड़े किले थे मजबूत किले और बड़े बड़े दरवाजों वाले जिन वो किले जिनके अंदर बेसिकली कोई दाखिल नहीं हो सकता था और ऐसे किले जो के बेसिकली इनकी हिफाजत करते थे इसीलिए इन लोगों को जंगो जदल के बहुत ज्यादा गुर नहीं आते थे बहुत ज्यादा लड़ना ये लोग नहीं जानते थे बस इनका ये हथियार था कि अपने किलों में छुप जाएं और उसके अंदर ही बस ये महसूर रहें और इसी तरह बच जाएं ठीक है हम ये बात इन तीनों कबीलों के अंजाम में देखेंगे उसके बाद जो गजब खैबर होगी ना उसमें भी खैबर के यहूदी ही थे उनके साथ भी यही था कि वो भी किलों में ही छुपे थे तो ये किलों वाली बात आप सबने याद रखनी है तो इन्होंने भी क्या किया बनो का ने ये डिसीजन दिया फैसला लिया कि हम कबीलों में छुप अपने किलों में छुप जाते हैं अंदर चले गए अब मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके के उनको घेर लें ठीक है ये जो टैंक वगैरह मुसलमानों ने बाद में बनाए वो जो भा, भारी भारी पत्थर फेंकने के तरीके वगैरह ये सारा कुछ बाद में ईद हुआ बाद में मुसलमानों ने ही दरियाफ्त किया लेकिन बाद में ये सारा कुछ हुआ पहले मुसलमानों के पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग हथियार नहीं थे जिसकी बेसिस पे किले पे हमला करके अंदर दाखिल हो सके और आपको याद होगा गजबे खैबर जो बाद में आएगी सेवन हिजरी में आएगी याद रखिएगा उसका ये कितना मशहूर वाक्य है सबको बताओगा कि हजरत अली रजी तुम के लिए आप खास दुआ की थी हजरत अली ने जाके उनके किले का दरवाजा उखेड़ के फेंक दिया था इतना भारी दरवाजा जिसको दस मर्द उठाते थे वो उखेड़ के हजरत अली ने अकेले फेंका था ये वाक्य भी आप लोग को याद पता होना चाहिए बहुत मशहूर वाक्य है है खैर ये ये तो तो बात का है ना तो यहाँ पे हम आते हैं में छुप गए मुसलमानों ने घेराव कर लिया और आखिरकार महीना गुजर गया ये लोग बाहर नहीं निक, निकले इनका खाना पीना जो अंदर इन्होंने महफूज कर रखा था जमा कर रखा था वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा कम हो गया खत्म होने लगा जब खत्म हो गया तो आखिरकार इन्हें हार माननी पड़ी और बाहर निकल आए के लोग तो आप सलाम ने इनके बच्चों को और औरतों को अलग कर दिया किलो में ही रहे और इनके मर्द जो थे उनको सारों को जमा करके बाहर उनको बांध दिया गया इकट्ठे ठीक है तकरीबन सात सौ से हजार के करीब इनके मर्द थे इसके बाद आप सल्लाम ने सहाबी जो थे उबादा इबन सामित ठीक है ये सहाबी थे इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि इनकी अभी कुरान मजीद में, में भी इनकी तारीफ आएगी इनका जिक्र आएगा और इनके अलावा अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलून जो था बेसिकली था तो दिखने में वो मुसलमान था कहने को मुसलमान था लेकिन मुनाफिकों का सरदार था तो इसका नाम आपने पक्का पक्का याद रखना है क्योंकि इसका तो नाम बार बार आ गया अब्दुल्ला बिन उबाई बिन सलून मुनाफिक मुनाफिकों का सरदार था खैर <coughs> पहचाना तो उस वक्त ऐसा मुस्लिम जाता था तो इन दोनों को आप सल्लाह ने बताया कि तुम लोग अब इनका मामला हैंडल करो और इनको देखो और इनसे बातचीत करो तो जो उबादा थे वो आपसे वसलम के पास आए और फरमाया कि यार वसल्लम मेरा अब इनसे कोई ताल्लुक नहीं है मैं इनसे कोई बातचीत नहीं करूंगा और अल्लाह और रसूल ही मेरे वली हैं ठीक है थीके? उन्होंने तो फैसला दे दिया क्योंकि ये दोनों दोस्त थे ना इनके बनकाइन का पुराने जमानों के तजारती फ्रेंड्स बेसिक थे बेसिकली आपस में लेन देन ये पैसा वगैरह तो ऐसे बहुत अच्छी दोस्ती थी इनकी तो अब्दुल्ला बिन उबई जो था हाँ जी तो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलून जो था वो बेसिकली गया है और इनके मर्दों से जाके तो बात की तो वो इसकी मिन्नतें करने लगे कि जी हमारी जान छुड़वा दो हमें बचवा दो किसी ना किसी तरीके से हमारा बचाव कर दो वो लोग जो कि साजिशें कर रहे थे आपसे के खिलाफ और मिले हुए थे आपस में अब उनका रवैया क्या है रवैया ये है कि जी अब झुके पड़े और रो रहे हैं चीख रहे हैं और पहले क्या कह रहे थे कि जी असली मर्दों से आपने फाइट नहीं की तो ये बेसिकली जो बातों के लोग होते हैं ना वो बस बातों तक ही होते हैं तो हिम्मत आ, हौसला कोई नहीं होता और जिन लोगों में हिम्मत होती है ना जो काम करने वाले होते हैं वो कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते वो बेसिकली काम करते हैं तो अब्दुल्ला बिन भैया से बात करके आपसे सलम के पास आए और आप से फरमाया कि या मोहम्मद और बहुत कम ही आपसे सलम को रसूलुल्लाह कहा करता था हालांकि में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि को अल्लाह के रसूल को आम लोगों की तरह मत बुलाओ उनके नाम से मत बुलाओ लेकिन फिर भी ये अपने आप को इतनी शेयर समझता था कि बहुत ही कम इसने कभी ये रसूल कहा हो तो हो वरना ये नाम से पुकारा करता था था भी बड़ी उम्र का शख्स तो इसने कहा कि या मोहम्मद मेरे जो दोस्त है ना मेरे खुलाफा इन पे रहम करो तो सल्लल्लाहु अलैहि आपलम खामोश हो गए कि बिल्कुल छोड़ने का तो आप का इरादा नहीं था इनको रहम करके छोड़ ही दिया जाए क्योंकि इनकी साजिशें बहुत ज्यादा थी और बदर के कैदियों को छोड़ने पर अल्लाह ने क्या कहा था अनफाल में कि इनको आपने क्यों छोड़ा जब तक के इस्लाम का गलबा नहीं होता तब तक दुश्मन को छोड़ा नहीं जाएगा तो अगर इनको छोड़ दिया जाता तो बाकी जो कबीले थे वो तो सारे के सारे शेर हो जाते और साजिशें और जो क्राइम रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता मुआरे में तो आपसे खामोश रहे तो उसने फिर दो बार यही कहा कि या मोहम्मद मेरे दोस्तों पे रहम करो तो आपसे ने कोई जवाब नहीं दिया तो इसने इतनी हिम्मत की कि इसने सलम ने उस वक्त ढाल पहनी हुई थी आपसे की ढाल को इसने पकड़ लिया और पकड़ के ऊंचा ऊंचा बोलने लगा कि या मोहम्मद इनको छोड़ दो और जब तक आप मेरे साथ तो वादा नहीं करेंगे कि आप तो तो इनको छोड़ रहे हैं मैं आपको नहीं छोड़ूंगा तो, तो आपसे सर ने फरमाया फर्म, कि छोड़ दो मुझे मेरा जो ढाल है इसको छोड़ दो तुम तो। लेकिन इसने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मेरे साथ वादा नहीं करते दो मरतबा ऐसा हुआ आपसे सबने फिर कहा कि छोड़ दो तो इसने कहा कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे फैसला नहीं करते अल्टीमेटली आप सल अलाम ने फरमाया कि ठीक है मैंने इनको तुम्हें दिया कि ठीक है जैसे तुम कहते हो वैसे ही है तो यानी फिर फैसला क्या हुआ अल्टीमेटली फैसला ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि ने इनको हुक्म दिया कि तीन दिन के अंदर अंदर ये सारे के सारे मदीना को छोड़कर चले जाए यानी एक्स, एक्सपल्जन जो होती है एक्साइल जो होता है जलावतनी इनको जलावती का फैसला दिया गया था और उबादा बिन सामिद जो थे उनको बेसिकली आप वसल्लम ने इसके ऊपर लीडर बनाया कि यकीनी बना बात बनाओ यकीन करो यनी करो इस अमर को कि ये लोग तीन दिन के अंदर अंदर निकल जाएं और जब इनके ऊँट निकले तो उनके उसके ऊपर बहुत ज्यादा सामान सोना और चीजें थी जो कि ये लोग बेसिकली लेकर निकल गए और ये सारे के सारे वाक्य का जिक्र हमें सूरत आयत नंबर फिफ्टी टू फिफ्टी में मिलता है और ये जो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलून है ना इसने ये भी आपसे से, से फरमाया था फरमाया इसने कहा था वसल्लम से कि इनको छोड़ दें ऐसा ना हो कि ये लोग जो मेरे साथ अच्छा रवैया रखते थे तिजारत लेन देन वगैरह में अच्छा सलूक रखते थे के बाद में इस इनके साथ अगर अभी बुरा हुआ तो उसकी वजह से मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए ठीक है तो ये बात भी इसने कही थी जिसका जिक्र अभी कुरान मजीद में, में आएगा ये देखिए आयत नंबर ये तो हमने पढ़ ली अब सुरत-ul-maidah की आयत नंबर 51 से 56 तक हम देख लेते हैं ये बिल्कुल इस वाके वाके के लिए ये आयत नाजिल हुई और ये क्या है या यह लज़ीन आमनु लात तख़ित-ul-ज़ह़ूद व ईमान वालो ना तुम बनाओ यहूद यूदारा को दोस्त यहूद यूदारा को तुम अपना दोस्त ना बनाओ बेशक ये लोग एक दूसरे के दोस्त हैं ठीक है तो इनसे तुम दोस्ती मत रखो इसका मतलब यह कि इन पे किसी भी तरह से किसी भी तरीके से तुम लोग डिपेंडेंट मत हो वहीं हम और अगर जो कि तुमसे इनसे दोस्ती रखेगा तो वो इन्ही में से हो जाएगा इनमी बेशक अल्लाह तुलम करने वालों की मदद नहीं करता मतलब ये है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है यहूदो निसारा से दोस्ती सिर्फ उतनी रखनी जायज है जितनी बेसिकली के उनके जो बुनियादी हकूक है उनका ख्याल रखा जाए जैसे पड़ोसी हैं वो तो पड़ोसियों के जो हकूक होते हैं वो उनका ख्याल रखा जाए जो इंसानी हकूक नॉर्मल होते हैं उनका ख्याल रखा जाए गहरी दोस्ती इनके साथ करना कि इनके ऊपर डिपेंडेंट होना या साजिशी लोगों के साथ दोस्तियां करना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है आगे क्या है अगली आज देखिए फ़तर अब यह मरद तो देखिए उन लोगों को जिनके दिलों में बीमारी है अब ये किसकी तरफ इशारा है मुनाफे की तरफ अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलून जो है उसकी तरफ इशारा है जो सारी ऊना वो भागते हैं फीहम उनकी तरफ यकूलूना दाइरा और वो कहते क्या हैं कि हम डरते हैं जमाने की गर्दिश से मतलब कि हम डरते हैं कि अगर इनके साथ आपने बुरा फैसला कर दिया तो हमारे साथ भी कुछ बुरा ही हो जाएगा ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अब्दुल्ला बिन सलून ने ये कहा था अत्यबिल फते من عنده على ما في نادمين. छुपाई हुई बातों पर नादाम होने लगेंगे मतलब क्या है कि ये लोग अभी मुनाफिक जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह कह रहे हैं कि जी हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा तो अल्लाह तह रहे हैं अल्लाह अल्लाह ताला अगर इनके ऊपर फतह ले आए और अल्लाह अगर फैसला इनके खिलाफ कर दे तो फिर ये क्या कर लेंगे और इनके जो नफ्सों में जो बातें छुपी हुई हैं फिर वो उसके ऊपर सिर्फ शर्मनाक होंगे और इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते वो यकूल आमनों और वो लोग जो ईमान लाए वो क्या कहते हैं अब ये किसकी तरफ इशारा है ये सामित जो थे अबादा बिन सामित उबादा बिन सामित रजिया तन सहाी उन्होंने जो कहा था उनकी तरफ इशारा है उनकी आगे उनकी तारीफ आएगी अगली आयत में भी अहा ओलाजीना ये वो लोग हैं जिन्होंने वादे किए थे अल्लाह के पक्के वादे यानी मुनाफिक के बारे में वो कह रहे हैं कि लोग ये मुनाफिक ये लो जो इतने अल्लाह के पक्के वादे कर करके हमसे कहा करते थे इन्ना इन लमाक हम तो तुम्हारे साथ हैं हाबीता तमालम असवासरी तो अल्लाह तला कह रहे हैं इनके अमल ज़ाय हो गए और ये खसारा पाने वालों में से हो गए ये मुनाफिक जो है अब इनका कुछ नहीं बन सकता يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحب ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة ولا يخافون ولا يخافون لومة لائم फिर जाए तो बहुत जल्द ऐसी कौम को लाएगा जो की महबूब होगी और वो भी मोहब्बत करने वाले होंगे वो नरम दिल होंगे मुसलमानों पर अब ये समझाया जा रहा है एक तो दूसरा ये इनकी ईमान वालों की खसूसियात क्या होनी चाहिए यह बताया जा रहा है कि जो रवैया है ना मुसलमान का वो अब्दुल्ला बिन उबै जैसा नहीं होना चाहिए ठीक है ये बताया जा रहा है बल्कि जो उबादा बिन सामिद थे उनके जैसा मुसलमानों का रवैया होना चाहिए कि वो नरम दिल होते हैं सिर्फ मुसलमानों पर और वो सख्त और तेज होते हैं काफिरों पर काफिरों के साथ वो नरमी नहीं दिखाते उनके लिए रहम की बात नहीं करते और वो क्या करते हैं अल्लाह के राह में जिहाद करते हैं और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते है। ये है अल्लाह का फजल जिसे चाहे वो दे अल्लाह बड़ी वसत वाला और जबरदस्त इल्म वाला है इन वली युकम्ला रसूल हो बेशक वली है तुम्हारा अल्लाह और उसके रसूल तो जो हजरत उबादा थे उन्होंने क्या फरमाया था उन्होंने से यही फरमाया था कि रसूल अल्लाह मेरे वली सिर्फ आप और अल्लाह ते तो यही अल्लाह तहा तो पर उनकी बात के बारे में बता रहे <स्ताथिया> व बेशक तुम्हारे वली सिर्फ तुम्हारे वली, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल है व व हुम और वो लोग जो कि ईमान लाए वो नमाज कायम करते हैं और जक़ात अदा करते हैं और रुकू करते हैं रुक व और जो कोई मुंह फेरेगा अल्लाह से और उसके रसूल से वल्लिया अमन और ईमान वालों से जो कि बेसिकली अब्दुल्ला बिन उबई कह रहा था उसने ईमान वालों से भी मुंह फेरा और उनके खिलाफ किया और अल्लाह और उसके रसूल के भी फ इन्ना हिजबुल्लाब तो बेशक हिजबाल ही गालिब आएंगे यानी उन्हें बता दिया जाए कि एंड में जो गलबा है ना जीत जो है फतेह जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही मिलेगी तो ये वाक्य था पूरा बनु किनका का और इसका कुरान मजीद में जो रेफरेंस है हैदा की आयत फिफ्टी वन टू फिफ्टी सिक्स ये हमने पढ़ ली जिनके पास कुरान मजीद है ना आप लोगों में से अक्सर सुन रहे होते हैं तो जो कुरान मजीद में ये आए थे ना इनके साथ थोड़ा सा लिख लिया करें कि रेफरेंस बनुकनका की जंग ठीक है अदरवाइज बाद में जो लोग तफसीर पढ़ते हैं ना उन्हें भी फिर नहीं पता होता कि जी ये वहां से रेफरेंस था अक्सर लोग इतनी डिटेल में नहीं जाते इवन तफसीर पढ़ाते हुए भी अक्सर लोग डिटेल में नहीं जाते तो अगर आप लोग साथ साथ लिख लेना और बाद में फिर कभी तफसीर पढ़ें और कुरान मजीद खोल कर देखें तो आपको याद आ जाएगा तो तीसरा वाक्य बेसिकली जो हुआ इसको गजब सुलेम कहा जाता है ये छोटा सा वाक्य है इसमें यह हुआ था कि बनु गतफान और बनु सलेम जो थे ये दो कबीले हैं बनुतफान थोड़ा बड़ा कबीला है बेसिकली और इन दोनों में मश्रकिन थे और ये मदीना से बाहर मक्का के करीब अलबत् रहते थे तो इन दोनों ने फैसला किया कि हम लोग हमला करेंगे और हम लोग कुछ ना कुछ मुसलमानों को दिखाएंगे अपनी बहादुरी और उनको हरा के दिखाएंगे तो इन्होंने 200 लोगों को जमा किया और उनके साथ हमला करने के लिए गए और वहां जाकर एक आ, आ, थोड़ी बहुत जो मुसलमानों के साथ इनकी झड़प हुई मुसलमान भी बाहर आए इनकी आपस में झड़प हुई और माले गनीमत जो इनके पास था ये छोड़कर ये लोग डर कर ही भाग गए ठीक है और इनका एक खादिम था यसार वो सिर्फ वहां पर रह गया उसको एक सहाबी ने पकड़ा जिन सहाबी ने पकड़ा उन्होंने आप आपलम को दे दिया कि यार सल्लाह इसको आप रख लीजिए आप जो फैसला करना चाहें तो आप सलम ने फिर उसको आज़ाद कर दिया वो यसार जो था वो मुसलमान हो गया और वो फिर सारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम बनकर ही आपकी खिदमत करता रहा ठीक है आप के बहुत ज्यादा मवाली थे जो आप के जो गुलाम थे जिन्हें आप आज़ाद कर देते थे ना आज़ाद करदा गुलाम को मवाली कहा जाता है तो वो आप की खादिम होते थे फिर खिदमत किया करते थे आप को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे आप के आला करेक्टर और आला किरदार की वजह से और आपके अखलाक की वजह से तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनकी अगर हम कभी एक सिर्फ कर सकते हैं सिर्फ इन लोगों के ऊपर जो बेसिकली फिर जिन्होंने खुद फैसला किया कि वो अकेले जाके कहीं नहीं रहेंगे बल्कि आपसे सलम की खिदमत ही करते रहेंगे और आपसे सलम से ने बाद में फिर फतेह की वजह एक्सप्लेन की जिसका जिक्र ये सही बुखारी की हदीस में भी आता है आपसे सलम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी मदद की है इस बात से कि महीने भर की मुसाफत से ही ना दुश्मनों पर मेरा रोब तारी हो जाता है ठीक है इस बात से मेरी मदद की गई है तो बेसिकली इनके भागने की वजह यह थी कि मुसलमानों का रोब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेसिकली रोब इन पर तारी हुआ और ये लोग डर कर भाग गए और सारा मालिक नीमत छोड़ गए तो ये छोटा सा वाक़ हुआ अब आप देख रहे हैं कि जंगों की जंगी हालात में बेसिकली अब मुसलमान रह रहे हैं गजब ओहद जो कि बहुत बड़ी जंग होने वाली है इससे पहले ये छोटे छोटे वाक्यात हो रहे हैं फिर ये वाक्य नंबर चार जो ये भी छोटा सा वाक्य है जुलहिज़ा दो हिजरी में ये हुआ है इसको जंग सवीक भी कहा जाता है कदर कहा जाता है और इसमें बेसिकली ये था कि मक्का में ना अबू सुफियान बदर से हारने के बाद अबू सुफियान ने ये नजर मानी के वादा किया अल्लाह से कि वाला ही मैं नहाऊंगा नहीं जब तक कि मैं अपना अपनों का ना बदला नहीं ले लेता तब तक मैं नहाऊंगा नहीं तो इस चक्कर में फिर उसने 200 मर्दों को इकट्ठा किया तकरीबन तकरीबन 200 और मदीना की तरफ निकला अचानक ही ये भी हमला था और जाकर अंसारियों का एक बाग था बाहर उसके ऊपर हमला कर दिया और वहां पर जो मुसलमान मान थे उनसे झड़प हुई फिर बाद में मदीना से भी मुसलमान आ गए थे उनकी मदद करने के लिए लेकिन अलबत् अबू सुफियान जो था ये बनु नजीर की मदद से बनु नजीर जो यहूदियों का दूसरा कबीला था उसकी मदद से बेसिकली ये हमला करने में इसको थोड़ी कामयाबी मिली थोड़ी बहुत और दो अंसारी जो थे उनको ये शहीद करने में कामयाब हो गए और फिर जब मुसलमान मदीना से आए हैं इनसे बदला लेने के लिए इन पर हमला करने के लिए तो इनके पास जितना भी सवीक था ना सवीक बेसिकली कहते हैं ये जो होता है ना बाजरा वगैरह बाजरे के जैसा जो